नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की नवंबर 2021 के अंतिम सप्ताह की, चौथे सप्ताह की, 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक के समय अंतराल की हम बात करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और सभी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए है। इस जानकारी में मैं आपको शुरुआत में संक्षिप्त तरीके से बताऊंगा कि आपको पूरा सप्ताह किस प्रकार से बिताने को मिलेगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम हर एक तारीख की बात करेंगे, 25 तारीख को क्या होगा, 26 को क्या होगा, 27 को क्या होगा। इस तरीके से हम हर एक तारीख की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपके ऊपर कोई कष्ट ना आ पाए। तो ये साप्ताहिक राशिफल का हम शुभारंभ करते हैं और जैसा मैंने बताया कि चंद्र राशि और मीन राशि पर यह आधारित होगा और इस राशिफल को सुनने के बाद आपका आने वाला सप्ताह प्लान हो जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे कहाँ पे पैसा खर्चना है, कहाँ पे पैसा नहीं खर्चना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा हो, शुरुआत करते हैं आप ही की राशि से। बात करते हैं धनु राशि की। सप्ताह के आरंभ में आपके वैवाहिक जीवन का आनंद बहुत ही जबरदस्त होगा, जो भी लोग विवाहित हैं, लेकिन आपके पास समय कम होगा। समय काम धंधे में बिजी होंगे, इसलिए जीवन साथी को पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे। सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है आपके जीवन साथी की, जिसकी वजह से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। जीवन साथी से दोस्ताना व्यवहार आपका रहेगा, उनकी सलाह से आपके काम बनेंगे जिससे आपको फायदा होगा। आपको अनियंत्रित खर्चे हैं, जो बेकार के खर्चे हैं, उनको थोड़ा सा नियंत्रण में करना होगा। सप्ताह के मध्य भाग में आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण कामों में आपको निराशा और विफलता थोड़ी बहुत प्राप्त हो सकती है। आपके दैनिक कार्य जो हैं उनको आप अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा प्रबंधन करके कठिनाइयों को दूर कर लेंगे। भावनात्मक संबंधों में बाधाएं आने से आप स्वयं को थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। मुश्किल समय में आपका धैर्य विश्वास आपके साथ बना रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस सप्ताह में कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, बहुत दिनों से टल रहे थे। सप्ताह के शेष दिनों में आपको यात्राओं पर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इससे वर्तमान में बने हुए तनाव पर काबू पाने के लिए आप सफल रहेंगे। पिता का समर्थन और प्रोत्साहन आपको मिलता रहेगा। आपके आत्मविश्वास में पिता का साथ और सहयोग और परिवार का भी साथ और सहयोग बना रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह ठीक है। अब बात करते हैं कि 25 नवंबर को क्या होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, सड़क पर चलते हुए, कार्य करते हुए सतर्कता बरतिएगा। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें, वरना अनावश्यक तनाव विवाद हो सकता है। अनावश्यक विवाद की वजह से बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कोई अशुभ समाचार मिलने की वजह से आपका मूड ऑफ हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा। बात करें 26 नवंबर की तो आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं। काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय फिर एक बार और सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है, समझदारी से लाभ हो सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने के कारण वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ सकता है। आज का दिन प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। आपके प्रेम संबंध भी आज आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। आपको बाई टांग में दर्द हो सकता है, आपकी भाषा का असंतुलन, आपका गलत बोलना सामने वाले को बुरा लग सकता है। अन्यथा आपका कोई ऐसी आदत जो है वो आपके चाहने वालों को पसंद नहीं आएगी। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में आप अपनी ही गलतियों से बदनाम हो सकते हैं। बात करेंगे 27 नवंबर की तो आपका दिन शुभ रहेगा। आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, आपको भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी से संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। और आपको अपनी संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके संतान की तरफ से आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, यानी आपकी संतान को कोई पुरस्कार मिल सकता है कोई खेल कूद प्रतियोगिता में। स्वास्थ्य सामान्य, लेकिन कुछ मानसिक परेशानियां 27 तारीख को बनी रहेंगी। 28 नवंबर की बात करें तो धार्मिक गतिविधि में शामिल होंगे। बच्चों का साथ और सहयोग से हृदय आपका खुश हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई संतोषजनक रहेगी। आज का दिन आपके प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यदायक रहेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ा पाएंगे और व्यापारियों के लिए आज नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा। 29 नवंबर की बात करें, आपको अपने अधिकारियों के साथ बैठकर बात करने का मौका मिलेगा। अपने अधिकारियों से मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। आपके व्यापारिक वर्ग के लिए, अपना व्यवसाय चलाने के लिए साधन इकट्ठे हो पाएंगे, योजनाएं बन जाएंगी। विद्यार्थी अपने अध्ययन में
बहुत अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़े से निराश रहेंगे। जीवन साथी आपका प्रसन्नचित रहेगा, आपसे संतुष्ट रहेगा या रहेगी, आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े से चिंतित बने हुए हैं। आपको आमदनी धन दौलत के लिए 29 नवंबर बहुत अच्छा कहा जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई उसमें जहाँ सावधानी आप रख सकते हैं वो सावधानी जरूर रखिएगा। बात हम करेंगे 30 नवंबर की, तो आपकी कार्य स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा, आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पालेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर अपने लिए अपने अच्छे भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, आपको बहुत लोगों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपकी माता जी की सेहत का आपको समुचित ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में एकाग्रचित होकर अपने काम में लगे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया करेंगे। आपका जीवन साथी के नाम पर आपको संपत्ति मिल सकती है, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे और जीवन साथी के साथ एक बढ़िया आनंद का दिन बिताएंगे 30 नवंबर 2021 को। बात करें 1 दिसंबर की, तो आज आप अधिक धन कमाएंगे, आपका चिर परिचित सपने पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत रोमांटिक रहेंगे, आप अपने बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त करेंगे, फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आपको मान सम्मान होगा, घर में खुशियां होंगी, ऑफिस में अच्छा काम होगा। कुल मिलाकर 1 दिसंबर खुशियों से भरा होगा, यानी साल के अंतिम महीने का पहला दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी बन रहा है, तो धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए, पूरे सप्ताह भर आपको शुभ परिणाम मिलते चले जाएंगे। बहुत अच्छे दिन हैं ये 7 दिन, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप कमाल जरूर दिखाएंगे और अपनी दिक्कतों को खुद ही दूर करके भगवान शिव का आशीर्वाद पाएंगे। जिनको भी इस सप्ताह में अपनी किस्मत को चमकाना है वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और ओम नमः शिवाय लिखते ही आपके जीवन में भगवान शिव का प्यार और आशीर्वाद दोनों मिलना शुरू हो जाएगा। हरिओम नमस्कार। क्या आपके पास जन्म कुंडली है? क्या आपके पास साल 2022 की जन्म कुंडली है? अगर है तो बढ़िया बात है, और जिनके पास नहीं है वो साल 2022 की कुंडली दिए गए नंबरों पर संपर्क करके बनवा सकते हैं मात्र 699 रुपए में। और इस कुंडली में होगा आने वाले पूरे साल के उपाय, ग्रहों की स्थिति, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे ताकि आप आने वाले साल को एंजॉय कर सकें। तो आप में से जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग तुरंत फ़ोन उठाएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आने वाले साल की अपनी कुंडली बनवाएं, जो कि ईमेल के द्वारा या पीडीएफ के द्वारा आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबरों पर फ़ोन करें, और कुंडली अगर बन गई तो समझ में आ जाएगा आपको भी हमको भी कि दिक्कत कहाँ है। उस दिक्कत का अंत करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही हमारा काम है। तो जल्दी से अपनी कुंडली को बनाने के लिए फ़ोन करिए और अपना ऑर्डर बुक कराइए।